एक एक प्रश्न कीजिए, एक एक प्रश्न का मैं जवाब दूंगा। एक ही में 10 प्रश्न करेंगे तो उसमें एक एक प्रश्न कीजिए जो भी प्रश्न करना। ये देखिए बहुत पुराना केस है और इसमें 18 जो है 18 आरोपी है और कुछ आरोपी उसमें से जिनका देहांत कुछ का देहांत हो गया है और कुछ लोग नहीं आते थे और कुछ लोग आते थे और कुछ लोग एप्लीकेशन भिजवाते थे। तो कल माननीय अदालत ने एक आदेश जारी किया कि आप लोग 26 तारीख को सभी लोग उपस्थित होइए और उसमें ये भी हुआ कि जो जिनके एप्लीकेशन पड़े थे, मेरा एप्लीकेशन पड़ा था, मैं बराबर जाता हूँ, उपस्थित होता हूँ और नहीं जाता हूँ तो मेरा वकील वहाँ उपस्थित होता है, एप्लीकेशन देता है और उसमें जो लोग नहीं आते हैं उसी के साथ जो एप्लीकेशन दी गई थी उसको माननीय न्यायाधीश द्वारा उसको निरस्त कर दिया गया और 26 तारीख को डेट दी गई कि आप लोग उपस्थित होइए, क्योंकि अभी तक वो चार्ज नहीं बना था, वो चार्ज बनाने के लिए सभी लोग 26 तारीख को उपस्थित होंगे, इसीलिए उसको कैंसिल कर सब लोग सब LBW जारी हुआ है। मैं मानता हूँ LBW और वो जो है कोर्ट की प्रक्रिया है, मैं कोर्ट का सम्मान करता हूँ, जो भी कोर्ट आदेश करेगी उसका मैं सम्मान करता हूँ। आरोप अभी तय, आरोप तय नहीं होना है, अभी तो ये चार्ज पर ही नहीं लगा है, चार्ज पर लगाने के लिए ये प्रक्रिया की गई है, LBW जारी किया गया है, वो कोर्ट की प्रक्रिया है और उसमें सभी लोग उपस्थित होंगे और उसमें देखिए वो मंत्री जी जो कहते हैं तब मंत्री जी ने मजाक नहीं कर सकते हैं, वो मजाक में उनका चेहरा देखे हंसते हुए उन्होंने बोला था ये मजाक किया था और मजाक में जो कहा जाता है उसको सीरियसली नहीं लिया जाता है। नो वो आप यही तो पूछिए उसको मेरे पर आरोप क्यों लगा रहे हैं, मैं उसी को बता रहा हूँ। जो ये वीडियो डीप फेक वीडियो जारी हुआ है वो AI तकनीक के द्वारा बनाया गया है, वो मेरे बयान नहीं है, वो डीप फेक वीडियो बनाया गया है और डीप फेक वीडियो जानते हैं बड़े बड़े जो डीजीपी जो उनके हैं अभी आप देखे थे उनके खिलाफ डीप फेक वीडियो बनाया गया AI तकनीक के द्वारा। तो मेरी क्या है जो मुकदमे राजनीति से प्रेरित है, छोटे मोटे मुकदमे हैं, बहुत बड़े मुकदमे नहीं है। और जो अभी आप लोग नीट 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 चिल्ला रहे थे, स्पष्ट सुनिए, नीट नीट चिल्ला रहे थे और विपक्षियों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा था, कि इतनी जो है हास्यास्पद बातें हैं कि नीट में मेरा नाम नहीं, किसी आरोपी ने नाम नहीं लिया, जांच एजेंसी ने नाम नहीं लिया और देश की सबसे बड़ी एजेंसी जांच कर रही है। कौन सबसे बड़ी एजेंसी होती है? CBI। CBI जांच करती है और जिसकी जांच CBI करती है दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। अगर मैं होता तो कल सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे चार्जशीट कंपनी उसके जो आरोपी थे वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया गया और मैं उसमें था ही नहीं, साथ को कोई याद नहीं है। और मैं ये भी कहा था अगर दूर दूर तक मेरा पेपर लीक में इसमें नीट में अगर जो अफवाहें जो विपक्षी पार्टियां इतना अफवाह फैला रही थी और इतना फैलवा रही थी कि ये बेदी राम का नीट पेपर लीक में हाथ है, मैं चैलेंज करता हूँ जिस दिन नीट पेपर लीक में मेरा नाम आ जाएगा। और अब तो चार्जशीट CBI द्वारा चार्जशीट वो दाखिल भी कर दिया गया आ जाएगा, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं NDTV पर कहा था और ये विपक्षियों की साजिश है, विपक्षी पार्टियों की साजिश है, मुझे बदनाम करने की साजिश है। मैं एक दलित विधायक हूँ, दलित विधायक होने के नाते मुझे विपक्षी पार्टियों द्वारा मुझे बदनाम किया जा रहा है, मेरी पार्टी को बदनाम किया जा रहा है, मेरे नेता को बदनाम किया जा रहा है, NDA को बदनाम किया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को बदनाम किया जा रहा है। आप बताइए, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, पेपर लीक में मेरा नाम बताया जा रहा था और उन्होंने कह दिया कि बेदी राम तो गिरफ्तार है। मैं क्या गिरफ्तार था? मैं गिरफ्तार नहीं था, उन्होंने कहा STM ने गिरफ्तार किया, मैं कहां गिरफ्तार था? अरे हाथ से प्रेत बातें तो तब हो गई, मैं NDTV पर बयान दे रहा था, उन्होंने ये कहा, एक मीडिया ने कहा, मीडिया का नाम मैं नहीं लूंगा और 12 घंटे उन्होंने चलाया है
मेरा मैं एक दलित विधायक हूँ, दलित विधायक होने के नाते उन्होंने 12 घंटे चलाया। नीच का आरोपी बेबी राम फरार है, फरार है। एसटीएफ ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। अगर वीडियो अगर एसटीएफ ने मुझे गिरफ्तार किया था तो मैं एनडीटीवी के सामने बयान कैसे दे रहा था? एनडीटीवी के सामने मैंने बयान दिया कि आप बताइए कितनी हास देखिए कितनी हास्यप्रद बात है, उसको सुनिए। आप सुनिए, मैं दलित विधायक हूँ, दलित विधायक के नाते चाहे जो मीडिया चाहे जो विपक्षी पार्टियों द्वारा मुझे बदनाम किया जा रहा है, मैं सबसे यही कहूंगा दलित विधायक किसी और विधायक के ऊपर क्यों नहीं लोग आवाज उठाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।